नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बासोदा में आज अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद आज दोपहर को कोतवाली थाना परिसर में SDOP ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, SDM प्रकाश नायक, तहसीलदार सरोज परिहार ने मीडिया से चर्चा की। इसी दौरान SDOP ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर प्रशासन और पुलिस बल द्वारा पिछले एक महीने से कड़ी तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान शनिवार को शहर में शांति कायम रही। पुलिस को किसी प्रकार की कोई अशांति का मैसेज प्राप्त नहीं हुआ। पुलिस के द्वारा बनाए गए चेक पॉइंटों के ऊपर लगातार चेकिंग की जा रही है और यह जांच रविवार को भी जारी रहेगी। SDOP ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला ना ही किसी की जीत है और ना ही किसी की हार। यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो देश के हित में है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट। बासुर शहर के दोनों थानों के, देहात और शहर के, इसके अलावा जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं शहर के, उन सभी के जगहों पे नाकाबंदी की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई अगर स्थिति बिगड़ती है तो तत्काल उसको कंट्रोल किया जा सके, और उसी के अनुरूप व्यवस्था भी लगी है और कल तक ये लगातार लगी रही दोनों थानों के मिला के। कुछ रिक्विजिशन किए हैं, कुछ हम लोगों के वाहन भी हैं और वो लगातार उनमें स्टाफ है सभी में घूमेगा। कुछ अतिरिक्त बल भी विदिशा से मिला है हमको और प्रशासन का सहयोग बना हुआ है और उम्मीद करेंगे कि इस तरीके शांति से ही भविष्य में भी हम लोग कवरेज करेंगे।